सो गाइस यार, आज से काफ़ी दिन पहले दोस्तों मैंने एक वाटर हीटर बनाया था, जो भी गर्मी के दिन में बनाया था दोस्तों। तो आप भी अब जाकर वहां पर हमारे चैनल पर दोस्तों देख सकते हैं यार, लेकिन वो अच्छे से काम नहीं किया था क्योंकि गर्मी के दिन में बनाया था यार, तो उसमें वोल्टेज था नहीं, इसीलिए वो अच्छे से काम नहीं किया दोस्तों। लेकिन अब आ गई है ठंडी यार, और उसकी ज़रूरत भी हमें पड़ने वाली है, सबको पड़ती है दोस्तों। उसको हम बनाने वाले हैं, लेकिन इस बार हम बनाने वाले हैं सिर्फ 2 चम्मच की मदद से दोस्तों, क्योंकि अब जो है लाइट का वोल्टेज भी पूरी मात्रा में आ रहा है और अच्छे से काम करेगा। तो दोस्तों मैं पूरा बनाकर दिखाने वाला हूँ एक एक स्टेप, तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना यार। और आप भी इसे बना सकते हो, लेकिन यार थोड़ा सावधानी से इसको बनाना, वरना बहुत ही खतरनाक हो सकता है ये चीज़। तो चलिए मैं बनाकर दिखा देता हूँ एक बार और पूरा वीडियो अंत तक। तो गाइस यार, बनाने के लिए हमें वाटर हीटर कुछ सामान की आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ने वाली है आपको। तो सबसे पहले यार, आप के पास यहाँ पर आ देते हैं वायर, आपके पास होना चाहिए, और वायर भी काफ़ी मजबूत होना चाहिए क्योंकि लोड बहुत पड़ता है इस पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का वायर भी चाहिए आपको, मोटा वाला, और आप इजीली ले सकते हैं मार्केट में यार, कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये वायर भी चाहिए आपको कुछ इस प्रकार से, और एक कटर चाहिए वायर को काटने या फिर जोड़ने के लिए। तो इसको यहाँ पर रखते हैं, और 2 चम्मच में चाहिए, यहाँ पर कोई भी चम्मच आप ले सकते हैं, चाहे वो पुराना हो या फिर नया हो, कोई भी चम्मच आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं पुराना ही चम्मच यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले भी बार बना चुका हूँ वाटर हीटर, तो इसको मैं साइड रखता हूँ। और अब जो है यहाँ पर आपके पास एक डिब्बा होना चाहिए, या फिर आप चाहें तो कोई लकड़ी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक मार्कर चाहिए इसको निशान करने के लिए, और एक टेस्टर चाहिए, और यहाँ पर एक हमें एल्युमिनियम वायर चाहिए, और यहाँ पर एक टेप, उसके बाद एक फाइनली एक प्लग चाहिए, जिसे आप ले सकते हैं कहीं पर दोस्तों, बहुत ही सस्ता मिल जाता है, 10 रुपये का, तो ले सकते हैं। बस इतना ही चाहिए दोस्तों। अब मैं बनाने स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम लेंगे वायर को, उसके बाद इसको हम इस तरह से छील लिए हैं, इसमें हम प्लग लगा देंगे सबसे पहले। तो प्लग को मैं यहाँ पर लूँगा, उसके बाद लगा देंगे इसमें प्लग को। तो गाइस यार, ने इसमें लगा दिया है, उसके बाद इस ढक्कन को यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। तो गाइस इसमें जो है इसको टाइट कर दिया है अब इसका। तो गाइस यार, लाइट चली जा चुकी थी इसीलिए यार मज़ा नहीं आ रहा था, तो लाइट आ चुकी है। अब जा रहे हैं दोस्तों इस पर निशान लगाने, मार्किंग कर लेते हैं इस पर। तो सबसे पहले हम मार्कर लेंगे, उसको निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम अपने चम्मच के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इस पर मार्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो इसको मार्किंग कर लिया है, इसको हम थोड़ा छेद भी कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों मैंने इसमें छेद कर दिया यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं, और हमारा चम्मच में कुछ इस प्रकार से लग जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर रहेगा दोस्तों इस प्रकार से हमारा चम्मच रहेगा, ताकि आप उसमें ये टच ना हो, और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। तो इसमें हम एक छेद यहाँ पर भी कर देते हैं इसके ढक्कन को, उसके बाद इसके ढक्कन में छेद कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, मार्किंग कर देंगे यहाँ पर। ये यहाँ पर हम छेद कर देंगे, छेद हो गया है, और अब जो है इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसका छेद। तो गाइस जो है इसमें हम लगा देंगे अपना वायर, इसके ढक्कन में डाल देते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर निकाल दिया है, उसके बाद इसको हम इसमें हम इसको डाल देंगे। तो गाइस जो है मैंने इसके अंदर से यहाँ पर वायर निकाल दिया है कुछ इस प्रकार से, इतना इतना सा, एक एक इंची का तकरीबन है, 1.5 इंची का। और अब जो है इसमें हम चम्मच लपेट देंगे वायर में कुछ इस प्रकार से, लेंगे सिंपली बिना किसी चीज़ की, आसानी से इसको लेंगे और लपेट देंगे मजबूती के साथ
ताकि ये खुले ना। कुछ इस प्रकार से लेंगे और यहाँ पर ध्यान है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इसको लपेटना है यहाँ पर। उसके बाद टेपिंग कर देना है इसमें अच्छे से। तो इसमें हम इस तरह का थोड़ा अच्छा दिखने के लिए टेप यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो जिस प्रकार का टेप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने जो है इसमें ले लूँगा, उसके बाद यहाँ से टेप लपेटना स्टार्ट कर दूँगा कुछ इस प्रकार से। तो गाइस यार लाइट फिर से जा चुकी है यार, लेकिन फिर भी वीडियो तो बनाएंगे ही। तो गाइस यार हमने जो है इसमें पूरा टेप कर लिया है चम्मच में अच्छे से, और इसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया है। और अब जो है इसको हम फिट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। इसका वायर खींच लेंगे यहाँ से कुछ इस प्रकार से, और इसको बड़े ही अच्छे तरीके से हमें फिट करना होगा कुछ इस प्रकार से। इसको भी उतनी ही तरीके से अच्छे से। तो गाइस आप देख सकते हैं यार, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगा। अब आखिरी स्टेप बाकी है बस इसको लगाने की। तो इसको मैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से लूँगा और यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर इसको लेंगे कुछ इस प्रकार से, उसके बाद इसको लेंगे बराबर कर लेंगे बिल्कुल से, उसके बाद कुछ इस प्रकार से इसको टाइट कर लेंगे, इस तरह से ऐंठ लेंगे और इस तरह से इसको बना देंगे। अब दोस्तों ये जो है कुछ इस प्रकार से जग की तरह काम करेगा। हम कहीं पर भी इसको अच्छे से डाल सकते हैं और पानी गर्म कर सकते हैं। दोस्तों ये बन चुका है पूरी तरीके से वाटर हीटर अच्छे तरीके से। इसको हम पकड़ कर अच्छे से पानी गर्म कर पाएंगे दोस्तों कहीं पर भी। तो गाइस देख सकते हैं यार बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब दोस्तों इसके टेस्टिंग की बारी है फाइनली इसके टेस्टिंग की। तो चलिए हम इसका टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या यह सच में काम करता है या फिर नहीं करता है। तो चलो पूरा टेस्टिंग कर लेते हैं। तो गाइस अब हम चेक करने वाले हैं यार अपना वाटर हीटर काम करता है या नहीं। तो चलिए हम उसके लिए यार हमें चाहिए कुछ पानी, इतना सा मैंने ले लिया है। आप चाहें तो जितना भी चाहे उतना ले सकते हैं। और ये एक कप पानी है, तकरीबन 250 ml से भी ज़्यादा है। और यहाँ पर जो हमारा वाटर हीटर है पूरी तरीके से बनकर रेडी है इसको गर्म करने के लिए। तो चलिए इसको मैं इसमें डाल देता हूँ कुछ इस प्रकार से डाल देंगे उसके बाद। तो गाइस इस प्लग को हम जा रहे हैं यहाँ पर पावर प्लग में लगाने दोस्तों, इसलिए यार। तो पूरा देखना अब लगा देने जा रहा हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। तो इसको हम लगा देंगे कुछ सेफ्टी पूरा अच्छे से लगा दिया है इसमें। और दोस्तों अब देखते हैं पानी गर्म होता है या नहीं। तो गाइस मैंने जो है इसमें पावर प्लग में इसको लगा दिया है और अब देख सकते हैं दोस्तों कि ये पानी हीट होना स्टार्ट हो गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर कुछ हलचल हो रहा है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यार पानी सच में गर्म हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं यार पानी बहुत ही तेज़ी के साथ गर्म हो रहा है और भाप भी इसमें से वाष्प निकल रहा है। पानी वाष्प बनकर उड़ने लगा है। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज़्यादा जा चुका है। अभी देखते हैं कि कितना ज़्यादा गर्म होगा, कब तक, कितना देर तक। तो गाइस यार पूरे 5 मिनट तक गर्म होने के बाद आप देख सकते हैं यार पानी कितना ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है। यार सच में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है आइडिया। और आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी के साथ पानी हो रहा है हीट। मैं थोड़ा इसको और करीब से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा हीट हो रहा है यार पानी, सच में बहुत ज़बरदस्त तरीके से हीट हो रहा है। और अब तो दोस्तों हद ही कर दे दोस्तों, इसने तो पूरे 300 डिग्री टेम्परेचर तक इसका पानी पहुंच गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं पानी बहुत तेज़ी से उबलने लगा है और भाप बनकर उड़ना स्टार्ट हो गया है।
तो गाइस यार सच में बहुत तेज़ी से इसका पानी उबल रहा है, आप देख सकते हैं यार। मैं तो दोस्तों अब मैं इसको बंद कर देता हूँ यार, सच में पानी बहुत ज़्यादा। तो गाइस इसका वाष्प जरा देखिए ध्यान से। तो गाइस यार पानी बहुत ही ज़्यादा तेज हीट हो रहा है यार सच में मुझे तो। तो गाइस अब जा रहे हैं यार इसको हम बंद करने, क्योंकि पानी का टेम्परेचर पूरे 300 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच गया है, और इसको बंद कर देते हैं। तो अब हम इसको बंद कर देते हैं। तो गाइस यार आपने देख लिया पूरा यार, बहुत ही ज़्यादा हीट हो चुका था, पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला गया था, और इसने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम भी किया। तो अब मैं इतना गर्म है कि इसको भी छू नहीं सकता, आप देख सकते हैं इसमें अभी भाप निकल रहा है। तो गाइस यार इसने जो है अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से किया। और दोस्तों अब मैं बता दूं दोस्तों यार, क्योंकि ये आखिरी वीडियो था आज का, आज का नहीं बिल्कुल पूरे 2 महीने के लिए आखिरी वीडियो था, क्योंकि दोस्तों अब मैं 2 महीने तक कोई वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, और इसलिए नहीं बनाऊंगा यार क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है और तैयारी भी उसकी करनी पड़ेगी। अगर वीडियो बनाऊँगा यार तो तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक वीडियो बनाने में यार पूरे एक दिन लग जाते हैं, वीडियो बनाकर एडिटिंग करने में उसके बाद पब्लिश करने में। तो यार सच में ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए तैयारी नहीं हो पाती है ना इसकी। अगर इसको बात जाते हैं तो तैयारी नहीं हो पाती, अगर तैयारी करने में लग जाते हैं तो ये वीडियो नहीं आ पाता है। इसीलिए यार मैंने सोचा कि पूरे 2 महीने के बाद ही वीडियो दूँ आप लोगों को, और आप लोग यार पहले से जाकर देखो कितने वीडियो मैंने बना दिया है, और आप लोग देखते नहीं हो यार, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, क्योंकि उससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलने वाली है। दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं पर, हम मिलते हैं 2 महीने बाद कोई नया वीडियो और नया धमाकेदार सीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।